हरिओम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर चिल्ड्रन। सो हम पहले क्या स्टोरी सुने थे, द थर्स्टी क्रो के बारे में। अब और एक कहानी सुनेंगे, द हेयर एंड द टॉर्टोइस के बारे में। हेयर का मतलब क्या है, एक खरगोश है, और टॉर्टोइस का मतलब क्या है, एक कछुआ। ठीक है, ये देखो, ये हेयर है और ये टॉर्टोइस है। चलो बच्चों स्टोरी सुनते हैं। सो वंस देयर लिव्ड ए हेयर एंड ए टॉर्टोइस इन अ फॉरेस्ट। तो एक जंगल में कुछ एक दिन क्या हुआ, एक टॉर्टोइस और एक हेयर रहते थे जंगल में। सो द हेयर वॉज वेरी प्राउड एज ही वॉज ए गुड रनर एंड ही ऑफन मेड फन ऑफ द टॉर्टोइस। सो जो हेयर था, जो खरगोश था, वो बहुत प्राउड फील करता था क्योंकि वो बहुत तेज भाग सकता था और हमेशा वो टॉर्टोइस को मजाक उड़ाता था। सो वन डे दे डिसाइडेड टू हैव ए रेस्ट। सो एक दिन क्या हुआ, वो हमेशा वो टॉर्टोइस को मजाक उड़ाता था, तो वो लोग एक दिन डिसाइड किए कि वो एक रनिंग रेस रखेंगे। ए फॉक्स वॉज कॉल्ड टू बी द रेफरी। और रेफरी के लिए किसको बुलाए, वो लोग एक फॉक्स को बुलाए। द रेस बिगेन। सो अब क्या हुआ, वो रेस स्टार्ट हुआ। द हेयर रेन फास्ट फॉर अ व्हाइल। सो कुछ समय के लिए वो हेयर क्या किया, बहुत तेज दौड़ा। देन ही लुक बैक एंड सो दैट द टॉर्टोइस वॉज फार बिहाइंड। सो कुछ देर भागने के बाद वो क्या किया, वो हेयर क्या किया, वो पीछे मुड़ के देखा। पीछे मुड़ के देखने के बाद वो देखा कि वो टॉर्टोइस या फिर वो कछुआ बहुत दूर था। ही सो ए पैच ऑफ ग्रीन ग्रास। उसके बाद वो बहुत दूर था ना, इसीलिए कुछ ग्रीन ग्रास मतलब हरे भरे घास देखा। He ate it and fell asleep। वो घास खाकर उसके पास सो गया। The tortoise walked fast and sleeping hare reached the winning point। सो जब वो टॉर्टेस धीरे धीरे चल चल के वो क्या बोलते हैं, विनिंग पॉइंट, जब जितना तक एक लाइन था उसके पास वो पहुंच गया, लेकिन वो हेयर सो ही रहा था। द फॉक्स डिसाइडेड द टॉर्टोइस इज द विनर ऑफ द रेस। क्योंकि वो खरगोश सो रहा था, इसलिए वो कछुआ को फॉक्स रेफरी था ना, तो उसने डिसाइड किया कि वो उस टॉर्टोइस को विनर बनाएगा बोल के, और विनर बना दिया। द हेयर हंग हिज हेड डाउन इन शेम। सो हमेशा वो क्या करता था, वो हेयर मजाक उड़ाता था वो टॉर्टोइस का, लेकिन वो ही जीता, इसीलिए उसको बहुत शर्म आया और वो अपना सर झुका के खड़ा हो गया। तो इसके बारे में हम, इस स्टोरी से हम क्या सीखे बच्चे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कुछ भी काम करने के लिए हमको बहुत स्लोली, बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। तो ये हेयर एंड द टॉर्टोइस के बारे में आपको कैसा लगा, और बहुत अच्छा है ना, तो इसको आराम से अच्छे से पढ़ना फिर से। ठीक है।